वालेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है वो है हाउ टी सेल्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस ठीक है हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज है तो किस तरह से टी सेल्स जो है वो उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं हमारा जो ब्लड है ब्लड में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है जिसमें हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अलावा जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कौन से होते हैं वो होते हैं प्लेटिलेट्स इसके अलावा ब्लड का एक और जो है वो पार्ट होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा की भी एक डिफरेंट जो है वो कंपोजिशन है तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड जो है वो क्या होता रहता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है तो ब्लड में क्या होते हैं ब्लड में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसके साथ ये कंपोनेंट्स भी जो है वो सर्कुलेट होते हैं और ये क्या करते हैं ये हमारी बॉडी को किसी भी कोई डेडली जो पैथोजेंस हैं उनसे जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है पैथोजन कि, किसे कहा जाता है? कहा जाता जाता है है पैथोजेंस कोई भी अगर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं ठीक है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स मीन्स अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है पैथोजेंस लाइक बैक्टीरियाज है वायरसेस है अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो

ठीक है तो जो टी सेल्स होते हैं टी सेल्स क्या है वाइट ब्लड सेल्स के एक इंपॉर्टेंट टाइप है ठीक है जिन्हें कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है और टी सेल्स भी कहा जाता है ठीक है तो टी सेल्स जो है वो टी सेल्स सिंपली हम इन्हें टी सेल्स क्यों कहते हैं इन्हें टी सेल्स कहा जाता है थाइमस की वजह से थाइमस जो है वो हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट इम्यून हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इम्यून सिस्टम में जो है वो वर्क करता है ठीक है इसके क्योंकि टी सेल्स हमारी बॉडी को जो है वो डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं और टी सेल्स क्या होते हैं टी सेल्स जो है वो थाइमस में मैच्योर होते हैं इस वजह से मैंने क्या कहते हैं कि ये जो है वो टी सेल्स हैं ठीक है थीके? अब थाइमस की जो है वो लोकेशन क्या होती है इस डायग्राम में आप देख सकते सकते हैं जो स्टर्नम होती है ठीक है जो चेस्ट बोन है उसके बिहाइंड जो है वो स्टर्नम प्रेजेंट होता है या हम क्या कह सकते हैं हम कहते हैं कि जो बिटवीन लंग्स जो एरिया है वहां पर जो है वो थाइमस प्रेजेंट होता है ठीक है टी टी सेल्स सेल्स को क्या कहा जाता है टी सेल्स आर लाइक द सोल्जर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम क्योंकि ये क्या करते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस और दूसरे जो भी कोई पैथोजेंस हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो immunity provide है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है टी सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ठीक है क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं थायमस में तो फिर वो क्या करते हैं अगर कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ है तो क्या करते हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सेल में बॉडी के किसी भी सेल में पैथोजन एंटर हुआ है बिफोर इसके के वो सेल में प्रॉब्लम करे और उसके बाद जो है वो स्प्रेड हो तो वो क्या करता है टी सेल्स क्या करते हैं टी सेल्स सेल को जो इन्फेक्ट हुआ है पैथोजन से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है और सिंपली uh, ये किस तरह से ये फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनका जो लोकेशन uh, इनके जो uh, जो टी सेल्स हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सरफेस पर ठीक है वो क्या करते हैं वो uh, उसके थ्रू ही उस पैथोजन को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं जैसे ही वो पैथोजन को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और जैसे और लाइक हमारी बॉडी जो है वो उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट टी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में ठीक है क्योंकि मिलियंस ऑफ टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीजन हैं हम जो फॉरन पार्टिकल्स हैं ठीक है फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है एंटीजन ठीक है तो जो टी सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के टी सेल्स के पास डिफरेंट टाइप के या हम कहेंगे कि स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइप के ही फॉरेन पार्टिकल को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है तो जितने ज्यादा मिलियंस ऑफ अगर टी सेल्स हैं तो मिलियंस ऑफ उन पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और वो इस तरह से क्या करेंगे स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को या स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं या डिफरेंट एंटीजेंस को ठीक है मींस इनके पास जो है वो यूनिक रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ये जो है वो बैक्टीरिया अगर यहाँ पर कोई भी ये पैथोजिन है ठीक है और ये कौन से सेल्स हैं ये टी सेल्स हैं ये टी सेल्स में ये जो है वो केमिकल रिलीज होता है केमिकल रिलीज होने के बाद क्या करते हैं ये जो है वो इनको जो पैथोजिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है वो ये केमिकल रिलीज हो रहा है और ये पूरे के पूरे जो भी पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करता है ठीक है जैसे ही मीन्स बाइंड होता है तो फिर उसको जो है वो टी सेल जैसे ही किसी एंटीजन के साथ जैसे कि मैंने कहा एंटीजन का वर्ड भी हम यूज करते हैं फॉरन पार्टिकल्स के लिए तो फिर जो है वो एंटीजन को जैसे ही रिकना करेंगे तो फिर क्या करते हैं टी सेल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ठीक है एंटीजन जैसे कि हमने कहा एंटीजन हम किसी भी टॉक्सिन को कह सकते हैं या फॉरेन सब्सटेंसेस को भी लाइक like कुछ केमिकल टॉक्जेंस होते हैं या कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे फॉरेन सब्सटेंसेस में बैक्टीरिया हैं वायरसेज हैं उनके लिए भी जो है वो एंटीजन यूज की जाती है क्योंकि ये क्या करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस किस तरह से करते हैं कि जैसे ही कोई पैथोजन एंटर हो रहा है तो हमारे टी सेल्स लाइक जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो क्या करती है उन फॉरन के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करके ठीक है टी सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ठीक है सबसे फर्स्ट जो टी सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है किलर टी सेल्स ठीक है किलर टी सेल्स जो है वो पैथोजेंस को किस तरह से uh, uh, अफेक्ट करते हैं कि जो किलर टी सेल्स होते हैं उनके पास अपने अंदर ही जो टी सेल्स किलर टी सेल्स हैं उनके पास कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम्स होती हैं और इसके अलावा उनके पास जो है वो कुछ केमिकल्स होते हैं ठीक है तो जैसे ही किलर टी किलर टी सेल्स के पास जैसे कि हमने कहा था कि रिसेप्टर्स होते हैं तो वो क्या करेंगे वो स्पेसिफिक टाइप के पैथोजिन के साथ अटैच होंगे तो जैसे ही पैथोजन के साथ अटैच होंगे तो किलर टी सेल्स क्या करेंगे वो अपनी डाइजेस्टिव रिलीज करेंगे या केमिकल रिलीज करेंगे जिसके थ्रू क्या हो जाएगा जिसके थ्रू वो पैथोजिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो सेकेंड टी सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हेल्पर टी सेल्स ठीक है हेल्पर टी सेल्स डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करते क्योंकि इनके पास जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम या केमिकल्स नहीं होते किलर टी सेल्स की तरह तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं हेल्पर टी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं ये लाइक प्रोटीनिश लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं फॉरेन पैथोजन जैसे ही हेल्पर टी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं एंटीबॉडीज जो है वो फॉरन पार्टिकल्स को फॉरन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं ठीक है इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये किलर टी को एक्टिवेट भी करती है ठीक है लाइक अगर फॉर एग्जांपल किलर टी सेल जो है वो इनएक्टिवेटेड है वो अपना वर्क नहीं कर रहे तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं हेल्पर टी सेल्स उनको जो है वो एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके ठीक है इसके अलावा कुछ जो टी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में रिमेन रहते हैं ठीक है अः क्योंकि उनको ये याद करना होता है कि पैथोजेंस जो है वो किस तरह से कौन से पैथोजेंस है ठीक है इस तरह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर अगेन वही बैक्टीरिया वही वायरस बॉडी में अगेन दोबारा से इंसर्ट होता है और डिजीज कॉज करने का ट्राई करता है तो बॉडी के पास पहले ही क्या होता है बॉडी के पास जो है वो मेमोरी होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि पहले ही के अगर कोई इम्यून सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो पहले ही इमिजिएटली जो है वो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है ठीक है तो, क्योंकि ये इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है मच फास्टर जो है वो काम करता है बजाय इसके सारा का सारा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो ठीक है इन सेल्स को क्या कहा जाता है इन सेल्स को कहा जाता है मेमोरी टी सेल्स ठीक है टी सेल्स जो है वो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि टी सेल्स क्या होते हैं टी सेल्स जो है वो थाइमस में मैच्योर होते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर टी सेल्स थ में मैच्योर होते हैं तो फिर ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं ठीक है ये डराइव कहाँ से होते हैं तो इन जो टी सेल्स हैं वो मेनली जो बॉर्न मैरो होता है ठीक है बॉर्न मैरो में कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है जिससे ये टी सेल्स जो है वो डिराइव्ड होते हैं फिर क्योंकि उस इस कंडीशन में क्या होते हैं इस कंडीशन में ये टी सेल जो है वो कम्पलीटली इम होते हैं मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते ठीक है लाइक पैथोजेंस को या वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो ये इम सेल्स क्या करते हैं इम सेल्स जो है वो थाइमस की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं ठीक है थाइमस की तरफ इस वजह से ट्रांसफर होते हैं कि थाइमस के पास कुछ ऐसी इंजाइम होती हैं जो क्या करती हैं जो टी सेल्स को मैच्योर कर देती है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है जैसे ही थाइमस जो है वो मैच्योर हो जाता है जो है वो मैच्योर करता है टी सेल्स को तो फिर वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। कौन सा फंक्शन था कि जो मैच्योर टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कोई भी जो पैथोजेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैचोर टी सेल्स का कि मैचोर टी सेल्स जो है वो कैंसर uh, सेल्स को भी उनको भी रिकॉग्नाइज करके उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे कि आपको पता है कैंसर अगर स्प्रेड हो जाए बॉडी में तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो टी सेल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय uh, करने में ठीक है साइंटिस्ट जो है वो एक थेरेपी यूज करते हैं ठीक है एक थेरेपी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी उस थेरेपी को क्या कहा जाता है उस थेरेपी को कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी जो कि कैंसर के अगेंस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये थेरेपी जो है वो किस किसके थ्रू हुई थी इस थेरेपी में जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं इस थेरेपी में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं टी सेल्स को ठीक है जो कॉमन टी सेल्स इम्यूनोथेरेपी है उस थेरेपी का नेम क्या है जो आजकल यूज़ हो रही है उस थेरेपी को कहा जाता है कार टी थेरेपी ठीक है कार टी थेरेपी में सिंपली जो है वो क्या किया जाता है जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कुछ पेशेंट्स हैं लाइक अगर उनमें कोई भी कैंसर है ठीक है कैंसर के पेशेंट्स हैं तो उन्होंने क्या किया उनसे जो है वो टी सेल्स को रिमूव किया टी सेल्स को रिमूव करने के बाद उन्होंने टी सेल्स को रीप्रोग्राम किया ठीक है रीप्रोग्राम का मतलब मतलब उनको इस काबिल बनाया कि वो क्या करें कि टी सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके और कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करें और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें ठीक तो, है तो रिकॉग्नाइज करें टी सेल्स हैं जब वो मॉडिफाई हो गए ठीक है जैसे उनको रीप्रोग्राम किया तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया वापस उसी पेशेंट में उस ब्लड में जो है वो इन टी सेल्स को इंसर्ट कर दिया ठीक है इंसर्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि जो ये आ, कार्टी थेरेपी थी उन्होंने कैंसर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया और जो हेल्दी सेल्स थे उन्हें कोई भी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं किए ठीक है लेकिन इसमें जो है वो कुछ लिमिट है वैसे तो बहुत अच्छी थेरेपी है आ, कि किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है ठीक है कौन सी लिमिटेशन है सबसे जो बिगेस्ट लिमिटेशन है आपको भी समझ आ गया होगा कौन सी है कि ये जो है वो एक पर्सनलाइज personal, है फॉर एवरी पेशेंट के लिए कि मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि हर पेशेंट से जिसको कैंसर है उसे टी सेल्स रिमूव करने पड़ेंगे उसके बाद उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा रीप्रोग्राम करने के बाद फिर उनको इंसर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये क्या है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो ट्रीटमेंट है थेरेपी है ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी है ठीक है तो फिर आ, और इसके अलावा दूसरी जो सेकेंड लिमिटेशन है वो कौन सी है कि कार्ड थेरेपी क्या करती है ये सिर्फ कुछ लिमिटेड कैंसर्स के लिए मतलब जितने पूरे सारी टाइप्स के कैंसर्स है उनके लिए ये इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुई ठीक है लाइक जैसे सॉलिड ट्यूमर्स ऑक्टर हो जाते हैं बॉडी में ठीक है लाइक मासेज ऑफ टिश्यूज जो है वो जमा हो जाते हैं जिन्हें सॉलिड ट्यूमर्स कहा जाता है ठीक है सिस्ट नहीं होते जो ट्यूमर्स होते हैं ठीक है सॉलिड ट्यूमर्स तो उनमें जो है वो ये कार्टी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर हैं वो होते ही कौन से हैं वो सॉलिड ट्यूमर्स ही होते हैं तो इट्स मीन के कार्टी जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती लेकिन रिसर्चर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसी न्यू अप्रोच हो जिसके थ्रू टी सेल्स यूज करके वो क्या करें उनको ऐसा रीप्रोग्राम करें ताकि वो एवरी कैंसर के लिए जितने भी कैंसर हैं उनके लिए जो है वो इफेक्टिव हो तो होप के साइंटिस्ट जो है वो इनशाला ऐसी थेरेपी को जो है वो इंड्यूस कराएंगे जो जितने भी कैंसर हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट uh, टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज